जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके के गोदा का बांस गांव में एक रोज पूर्व हुई बुजुर्ग महिला के हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। महिला की हत्या के मामले में पुलिस हत्या के आरोपी पुत्र अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, गोदा का बांस गांव की शरबती देवी का अधजला शव उसके खेत में खेजड़ी के पेड़ के नीचे बीते रोज ही मिला था। मामले में मृतका के पुत्र पुष्पक सिंह ने अज्ञात के खिलाफ उसकी मां की हत्या कर शव जलाने के आरोप लगाए थे। इलाके में हुई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चिड़ावा DYSP सुरेश शर्मा के निकट सुपरविजन में SHO धर्मेंद्र मीणा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मामले की गहनता से अनुसंधान शुरू कर दी है। वारदात के बाद घटनास्थल से मिले साक्ष्य व डॉग स्क्वाड टीम के डॉग द्वारा मौके पर मौजूद मृतका के पुत्र अशोक संदेह होता दिखाई दिया। अशोक पर संदेह के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गोदा के पास में जो वृद्ध महिला की हत्या हुई थी, जिसके संबंध में उसके सबसे छोटे पुत्र पुष्पक ने मुकदमा दर्ज करवाया था, उस संदर्भ में आज उसके जो बीच के पुत्र है अशोक, उनसे पूछताछ की गई और साक्ष्यों का संकलन किया गया, अवलोकन किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण से जो है उस पर संदेह हुआ तो उससे और गहनता से पूछताछ की गई, जिस पर जो है अशोक ने अपनी माता का हत्या करके उसका शव जलाने की बात स्वीकार की है। अशोक को गिरफ्तार किया गया है, आगामी कार्रवाई जारी है। हत्या का कारण क्या रहा सर? हत्या का कारण आपस में पारिवारिक झगड़ा है। अभी तक जो बात सामने आई उसमें पारिवारिक झगड़ा है कि माँ जो है वो नाराज होके और खेत पे आ गई, तो इस बेटे द्वारा ये बताया गया है कि उसको जो है बारी बारी में मेरे द्वारा कहा गया कि भाई वापिस चल और बारी बारी में नाराज होके क्यों आ जाती है, इस बात पे इस गुस्सा होके इसने जो है। सर, घटना को अंजाम किस प्रकार दिया गया? घटना में जो है मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार भी और जो है इसके बताए अनुसार भी, मुलजिम के बताए अनुसार भी गला घोट के जो है हत्या की गई। उसके बाद में शव को जो है पूड़ों के ढेर में छुपा दिया और रात्रि में जो है इसके द्वारा जो है अपनी उस माँ के शव को उठा के और उस पेड़ जहाँ पे जली व्यवस्था मिला वहाँ पे पेट्रोल डाल के जो है आग लगा दी।